गुडीज, वेलकम टू कोकीज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुजरात का फेमस स्नैक लीलवा कचौरी, जो बनता है पीजियन पीस से, जिसे हरा तुअर भी कहते हैं। ये विंटर सीजन में आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। टेस्टी और बहुत ही मजेदार रेसिपी है ये। बहुत ही आसानी से हम इसे घर पे बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार स्टाइल में। तो चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं लीलवा कचौरी की। तो फेमस गुजरात की लीलवा कचौरी बनाने के लिए पहले हम आटा भून लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ हाफ कप मैदा और हाफ कप गेहूं का आटा। आप इसे मैदे में भी बना सकते हैं, मैंने इसे कंबाइन करके बना रही हूँ। मैं 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 स्वादानुसार नमक डाल देंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इसका आटा गूंथ लेते हैं अच्छे से। ना ज्यादा स्टिफ होना चाहिए ना ही बहुत नरम होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये आटा रेडी है। इस तरह से बनाना है हमें आटा। इस पे हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे। इसे 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पीजियन पीस लिए हैं। ये इस तरह से दिखते हैं। इसे ये सीजन में, हमें विंटर सीजन में बहुत मिलते हैं। तो इसी से हम कचौरी बनाने वाले हैं, इसी से हम स्टफिंग बनाने वाले हैं। इसे तुअर भी कहा जाता है, ग्रीन तुअर। जैसे हम ग्रीन पीस मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह होते हैं। तो इसे हम एक मिक्सर जार में डाल देते हैं। इसी के साथ हम इसमें लहसुन डाल देते हैं, अदरक है और मिर्ची है, ग्रीन चिलीज। ये आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसे हम क्रश कर लेते हैं। इसमें बिल्कुल हमें पानी नहीं डालना है, बिल्कुल इसी तरह क्रश करना है और दरदरा क्रश करना है। थोड़े से मैं इसमें पीनट्स डालूंगी, जिसको मैंने रोस्ट कर लिया है। इसे अच्छा सा नटी टेस्ट आएगा पीनट्स से। तो इसे मैं दरदरा पीस लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे क्रश कर लिया है। अब हम इसका स्टफिंग रेडी करते हैं। मैंने यहाँ एक कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं डाल दूंगी 2 टेबलस्पून ऑयल, जीरा। हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून सफेद तेल। इसे ऐसे कुक कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारा स्टफिंग।
करके फिर अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एक बार इस तरह स्टर करने के बाद हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे, बिल्कुल पिंच हो, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। इसे हमारा कलर भी इसी तरह रहेगा, चेंज नहीं होगा कलर, और पक भी जाएगा, मिश्रण जल्दी से पक जाएगा, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज किया है। इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह कुक करेंगे। थोड़ी देर इसे मैं ढक दूंगी, बीच बीच में चलाते रहना है। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने बीच में 3-4 बार इसे मिक्स कर लिया था, नहीं तो ये क्या नीचे से जल जाएगा अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो। सब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 2 टेबलस्पून मैंने काजू लिए हैं, फाइनली चॉप कर लिए इस तरह, 2 टेबलस्पून रेजिन से मेरे पास, ये भी मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। बस इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टफिंग ड्राई है तो इसमें आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। इसके बॉल्स बनने चाहिए अच्छे से, जिसको हमें स्टफ करना है आटे में। इसे और 1 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। इसे मैं ढक देती हूँ, इसके बाद हम इसे निकालेंगे। चलिए फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए बिल्कुल कुक हो चुका है अच्छे से। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे नीचे उतार लेते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी कोरिएंडर लीव्स, और इसमें हम डालेंगे 1/2 नींबू का रस। आधा नींबू का रस डाल लिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस अब हम इसे ठंडा होने देंगे, इसके बाद हम कचौरियाँ बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मिश्रण ठंडा हो चुका है, इसके हम अब बॉल्स बना लेंगे। इस तरह अगर हम बॉल्स बनाएंगे तो स्टफिंग में आसानी होगी हमें। देखिए फ्रेंड्स सारे बॉल्स मैं इसी तरह बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसे स्टफिंग कर लेती हूँ, कचौरियाँ बना लेते हैं अब हम। देखिए फ्रेंड्स अब इसे बेल लेते हैं। छोटी छोटी पूरियां बनाएंगे पहले हम, उसमें हम स्टफिंग डालेंगे। मैंने आटे की छोटी लोई लेकर पूरी बना ली है, अब इसमें ये हम स्टफ कर देते हैं इस तरह। इस तरह हम पकड़ के एक अंगूठे से इस तरह प्लेट्स बनाएंगे। देखिए देखिए प्लेट्स बन गई है, ये ऊपर इस तरह हम इसे मिक्स करके दबा देंगे।
बस ये हमारी कचौरी रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम सारी कचौरियां बना लेते हैं। जैसे मैंने दूसरा भी बेल लिया है, इसे भी हम स्टफ कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा, अगर आटा अगर ज्यादा लगे आपको ऊपर के साइड ऐसे निकाल दें और इसे दबा दें अच्छे से। मैंने इसी तरह सारी कचौरियां रेडी कर ली है, अब हम इसे तल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारी कचौरियां मैंने बेल ली है, रेडी कर ली है, अब हम इसे तल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल मैंने रख लिया है कढ़ाई में, तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें कचौरी डाल देती हूँ। इसे अच्छे से कुक होने देंगे। इस तरह तेल हम थोड़ा ऊपर डालते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अच्छा कलर आ चुका है। बिल्कुल धीमी आंच पे ही हमें ये प्रोसेस करना है, धीमी आंच पे ही तलना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आए तक हम इसे कुक कर लेंगे। ये कचौरिया बहुत ही टेस्टी बनती है। ये विंटर के सीजन में हमें जो पिजियन पीस मिलते हैं ना फ्रेश, बस उसी से आप ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी जरूर बनाइए ये और मुझे फीडबैक कीजिएगा जरूर से कि आपकी कचौरिया कैसी बनी है। इसे तुअर भी कहते हैं। धीमी आंच पे कुक करेंगे तो अच्छे से कुक होगा ये। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है हमारी कचौरिया, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो सारी कचौरिया इसी तरह तलनी है हमें। देखिए फ्रेंड्स, निलवा कचौरी बनके बिल्कुल रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, लिलवा कचौरी बिल्कुल बनके रेडी है, ऊपर से खस्ता और अंदर से बिल्कुल नरम। देखिए मैं आपको एक तोड़ के बता देती हूँ। गर्मा गर्म कचौरिया रेडी है। ये गुजरात का बहुत ही स्पेशल स्नैक है, आप भी बनाइए इसे जरूर और मुझे फीडबैक कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो जरूर लाइक का बटन क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दूसरी ऐसी ही मजेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।